नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारीक। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। देश में बलात्कारी बाबा राम रहीम के बाद एक और नामचीन बाबा का पर्दाफाश हुआ है। ये बाबा भी राम रहीम की तरह कई बड़े आश्रम चलाते हैं। ये बाबा भी राम रहीम की तरह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और ये बाबा भी अपने साथ अनुयायियों की एक बड़ी फौज रखते हैं। लेकिन इन बाबा पर आरोप भी राम रहीम की तरह ही लगा है। अपनी हवस को बुझाने के लिए इस बाबा ने एक मासूम लड़की को अपना शिकार बनाया है। मामला खुलने के बाद राजस्थान के अलवर में FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस इस बाबा पर अपना शिकंजा कस चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम इस बाबा की पूरी जन्म कुंडली दिखाने के साथ साथ पूरा कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने खोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तस्वीर, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के साथ तस्वीर, छत्तीसगढ़ के CM रमन सिंह के साथ तस्वीर, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर के साथ तस्वीर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत के साथ तस्वीर। हर दूसरी तस्वीर में एक ताकतवर नेता, हर दूसरी तस्वीर में एक शक्तिशाली नेता, मगर हर नेता के साथ बस एक शख्स, हर तस्वीर में बस एक बाबा, हर तस्वीर में बस एक ही चोला। गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे पहुंचा, आसाराम का तिलिस्म पूरी तरह से टूटा, फर्जी बाबाओं की फेहरिस्त भी जारी हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अधर्म लोक का नया पापी, मंच सजा है, बाबा विराजमान है, भक्तों की भीड़ है, कथा बांचा जा रहा है सतयुग से लेकर त्रेता युग तक और द्वापर युग से कलयुग तक। ना जाने कौन कौन से युग तक का धुआंधार प्रवचन चल रहा है। शरीर पर गेरुआ वस्त्र है, माथे पर पीले चंदन का लेप सजा है, नाम है कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य फलाहारी महाराज। अलवर में धुनी रमाते हैं और शानदार धाम है, लेकिन जो इल्जाम है उसने इस बाबा को बाबा लोक का नया पापी करार दे दिया है। फलाहारी के दिव्य धाम के बाहर पुलिस का जमावड़ा है, खुद SP साहब चहलकदमी कर रहे हैं। ये कहानी कुछ कुछ गुरमीत राम रहीम और आसाराम से मिलती है। इनके प्रवचन पर मत जाइए, क्योंकि असलियत जानेंगे तो बाबाओं के ऊपर से एक बार फिर से आपका यकीन पूरी तरह उठ जाएगा। फलाहारी बाबा पर एक लड़की ने बलात्कार के इल्जाम लगाए हैं। लड़की का दावा है कि इस फलाहारी बाबा ने ठीक रक्षाबंधन के दिन उसके साथ मर्यादा के सारे बंधन तार तार कर दिए। मुझे बस एक बात कहनी है, देश में जिन किसी भी लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी किसी भी बाबा ने की हो, कोई भी घटना घटित हुई हो, वो प्लीज सामने आए और पुलिस से अपनी बात कहे। पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही है और मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। अलवर का ये वही आश्रम है जहां इस वक्त पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, लेकिन ये पूजा अर्चना हमेशा की तरह होने वाली पूजा अर्चना नहीं है। इस पूजा अर्चना में आज
जगतगुरु स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी महाराज शामिल नहीं हैं, जो इस आश्रम के मालिक हैं, और ये वो जगतगुरु हैं जिन पर एक लड़की ने दुराचार करने का आरोप लगाया है। ये बाबा अब पुलिस के शिकंजे में हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने, इस पूरे मामले ने इस बाबा की पूरी कलई खोलकर रख दी है। साथ ही इनके हजारों भक्तों की आंखों पर गिरा पर्दा भी हटा दिया है। लड़की बिलासपुर की रहने वाली है और पिछले 20 सालों से लड़की का परिवार इस बाबा को भगवान की तरह पूजता आ रहा था। बाबा के ऊपर विश्वास इतना था कि बाबा का हर कहा ब्रह्म वाक्य की तरह होता था। मगर रक्षाबंधन के दिन जो हुआ, उसने इस लड़की की आत्मा को छलनी करके रख दिया। आश्रम में फलाहारी बाबा का ये वो कमरा है जहां पर पीड़िता ने अपने आरोप में बताया है कि इसी कमरे में 7 अगस्त की शाम को उसे अपनी हवस का शिकार बनाया गया था। इस कमरे को फिलहाल पुलिस ने ताला लगा दिया है। इसकी FSL जांच भी होगी पुलिस की आने वाली पड़ताल में। लेकिन ये वो कमरा है जहां पर बाबा पिछले काफी समय से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन अब इस कमरे को पुलिस ने ताला लगा दिया है। लेकिन इस कमरे से जुड़ी हुई जो कहानी है वो बेहद दर्दनाक है। पीड़िता इसी कमरे से निकलकर रात को इस आश्रम के ठीक सामने बने स्कूल के कमरा नंबर 10 में गई थी और वहीं पर उसने बाबा से बचकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन इस कमरे से अभी कई राज बाहर आने बाकी हैं, जो पुलिस अपनी जांच में निकालने की कोशिश करेगी। फलाहारी बाबा सीक्रेट रूम में साधना के नाम पर रेप करता है। उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। 7 अगस्त की सुबह पीड़िता जयपुर से अलवर फलाहारी बाबा के दिव्य धाम में बाबा के दर्शन करने आई थी, क्योंकि फलाहारी बाबा की वजह से उसे सुप्रीम कोर्ट के एक नामी वकील के अंडर में इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। पीड़िता का कहना है कि फलाहारी बाबा के नापाक मंसूबों से पूरी तरह अनजान थी और साजिश के तहत चंद्र ग्रहण का बहाना बनाकर बाबा ने उसे धाम में रुकने को कहा। शक की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि पीड़िता का परिवार बाबा को ही अपना भगवान मानता था। पूरा सा परिवार क्या, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब समझ में आया, फोटो दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाता है। पूरा मजा और नामों का खुलासा आप करने वाले हैं। कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? आश्रम से जुड़े लोग ही हैं और हमारे जैसे शिष्य लोग हैं, वो जो लोक लज्जा के कारण नहीं आ पाए हैं सामने, अब आएंगे। आरोप के मुताबिक देर शाम फलाहारी बाबा का एक शिष्य पीड़िता को सीक्रेट रूम में लेकर गया। बाबा ने पीड़िता से लैपटॉप खोलने को कहा और बातचीत शुरू कर दी। इस दौरान रूम में मौजूद बाबा का शिष्य चला गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके बाद फलाहारी बाबा ने वो किया जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पीड़िता ने बताया कि गुप्त विद्या के नाम पर बंद कमरे के अंदर बाबा ने अधर्म किया। करीब 30 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, तब कहीं जाकर उसकी जान बच सकी। अलवर का ये काला कुआं इलाका है और ये वो आश्रम है जिनके स्वामी इस समय पुलिस के शिकंजे में हैं, जिन पर आरोप लगा है। दरअसल हम आपको बता दें कि 7 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन ये वही आश्रम था जिसमें बाबा ने अपने एक शिष्य की बेटी को बुलाया था। और ये वो जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं गुलाबी कलर की, इस वेंकटेश दिव्य धाम मंदिर के बगल में, ये वही मंदिर है जहां पर बाबा ने उस लड़की को 7 दिसंबर की रात को अपने कक्ष में बुलाया था। और उसी कक्ष में बाबा ने उस लड़की के साथ वो हैवानियत की जिसे वो लड़की कभी भुला नहीं सकती। और उसके बाद लड़की न जाने किस तरीके से होश में आई। और मेरे बगल में आप पीछे जो देख सकते हैं, ये एक आश्रम का ही एक हिस्सा है, एक संस्थान है, शिक्षण संस्थान है। इसके कमरा नंबर 10 में रहकर रात को लड़की उस समय रुकी थी और उसके बाद अगले दिन जयपुर जाने के बाद परिजनों को, अपने परिवार को ये पूरी कहानी उसने बताई थी। पीड़िता के पिता के मुताबिक बाबा फलाहारी बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर दिखाकर रौब झाड़ता था, जिसकी वजह से लोग उसके दबाव में आ जाते थे। अलवर से सुशांत पारिक और अश्विनी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अभी आपने देखी इस बाबा की कहानी, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे उस पीड़ित पिता की दास्तान जिसकी बेटी इस बाबा की हैवानियत की शिकार हुई है। पीड़िता को बाबा की वजह से सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील के अंडर इंटर्नशिप करने का मौका मिला था और अपनी जिंदगी की पहली कमाई अपने माँ बापा के कहने पर वो बाबा को अर्पित करने आई थी। लेकिन बाबा फलाहारी उसके साथ ऐसा घिनौना काम करेगा लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था। फलाहारी बाबा की करतूत से जब पीड़िता डरी सहमी और परेशान थी, कई दिन से किम कर्तव्य मूड थी, तब बाबा राम रहीम का मामला खबरों में सुर्खियां बना और यही पीड़िता के लिए मोटिवेशन साबित हुआ। पीड़िता ने सोचा जब बाबा राम रहीम जेल जा सकते हैं, उस युवती को न्याय मिल सकता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं। और पीड़िता अपने परिजनों से पूरी व्यथा कह सुनाई। उसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पूरी कहानी सामने आ गई। पीड़िता का कहना है कि वो एकदम डर गई थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि बंद कमरे में उसके साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप उठती थी। किसी तरह वो बाबा के धाम से वापस जयपुर चली गई। पीड़िता ने हिम्मत जुटाते हुए वारदात की इत्तला घर वालों को दी। बेटी की आप बीती सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यकीन करना मुश्किल था कि जिस बाबा को वो भगवान समझते थे असल में वही शैतान निकला। घर वालों ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए बाबा लगातार मैसेज भेज रहा था। न्यायालय पर भरोसा? किस पर भरोसा है? न्यायालय। न्यायालय पर भरोसा है आपको? पीड़िता से आप काफी लंबे से टच में बताए, वो परिवार आप पर भरोसा? पीड़िता की शिकायत पर बिलासपुर के महिला थाने में फलाहारी बाबा के खिलाफ बलात्कार की 0 FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि वारदात अलवर की है और फिर अलवर पुलिस ने बाबा की घेराबंदी शुरू कर दी। हमने जो है अपने अनुसंधान में साक्ष्यों के आधार पर जुर्म प्रमाणित माना है और पूछताछ नोट के बाद पूछताछ करने के बाद पूरी तरीके से प्रमाणित मानते हुए गिरफ्तारी की। बाबा को एहसास नहीं था कि उसके पाप का घड़ा इतनी जल्दी फूट जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। जबकि अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बाबा पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। फिजिकल शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह बाबा फिट है। पोटेंसी में असामान्य कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन पूर्ण जांच के लिए ब्लड और सलाइवा सैंपल लेके FSL को भेजे गए। कोई बीमारी नहीं निकली, पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम थी बाबा। अलवर पुलिस ने बाबा की घेराबंदी कर दी है। बाबा के खिलाफ सबूत तलाशे जा रहे हैं, एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। SJM कोर्ट नंबर 3 में मेरे द्वारा बाबा को पेश किया गया था और हमने इसका न्यायिक अभिरक्षा मांगी थी 15 दिन की, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 6 अक्टूबर तारीख मुकर्रर की है और बाकी ऑर्डर न्यायालय द्वारा जेल अधीक्षक को जारी कर दिया है। नहीं, जब जुर्म प्रमाणित पाया गया, पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, उसी के आधार पे आरोपों के आधार पे प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। बाबा फलाहारी कानून के शिकंजे में आ चुका है, बाबा के एक भी संबंध काम नहीं आ रहे हैं। उधर बाबा के चेले को अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि उनके गुरु दरअसल गुरु घंटाल निकलेंगे। अलवर से सुशांत पारिख और अश्विनी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बाबा के कारनामे आपने सुने और देखे, लेकिन ये बाबा केवल एक संत नहीं था, ये करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। इसके कई आश्रम चलते थे, कई कारोबार चलते थे और कहा तो ये भी जाता है कि बाबा ब्याज माफिया के तौर पर भी काम कर रहा था। बलात्कार के इल्जाम में बाबा फलाहारी पूरी तरह से घिर चुका है, कानून के शिकंजे में वो फंस चुका है। लेकिन दूसरे पापी बाबाओं की तरह ही बाबा फलाहारी भी करोड़पति है। फलाहारी के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लाखों में उसके भक्त हैं, भक्त उसे भगवान की तरह पूजते हैं।
लेकिन जो इल्जाम फलाहारी पर लगे हैं, उसके बाद उसके भक्तों का दिल टूटना लाजमी है। फलाहारी बाबा पर इल्जाम है कि वो आश्रम से कमाए गए पैसों को ब्याज पर भी लगाता था। चूंकि बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच थी और लोग बाबा को भगवान की तरह पूजते थे, लिहाजा उसके ब्याज का कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा था। खुद को जगत गुरु बताने वाला कौशलेंद्र प्रपन्नचारी उर्फ फलाहारी महाराज जब 25 साल पहले यूपी के कानपुर से आया था तो इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये बाबा 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक है। ये मंदिर जो सामने आश्रम जो देख रहे हैं दिव्य धाम, ये बाबा का है। बगल में एक छोटा आश्रम है, वो बाबा का है। ये शिक्षण संस्थान है बगल में, ये बाबा की है। इसके अलावा यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और हरिद्वार में बाबा के आश्रम हैं। बाबा के हजारों की संख्या में अनुयायी बन चुके हैं और कहा तो ये भी जाता है कि बाबा अब बड़ी रकम जो है वो ब्याज पे देने लग गया, यानी ब्याज माफिया भी ये बाबा बन चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने समय में जब बाबा एक संत के तौर पर काम कर रहा था, अध्यात्म की दुनिया में लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था, तब बाबा के पास इतनी बड़ी संपत्ति आखिर आई कहां से? बाबा फलाहारी के अलवर में दो आश्रम हैं, एक संस्कृत स्कूल है और एक गौशाला है। एक आश्रम हरिद्वार में तो एक आश्रम बिलासपुर में है। फलाहारी का एक आश्रम उत्तर प्रदेश में भी है। बताया जा रहा है कि फलाहारी की कुल संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर की है। अलवर के संस्कृत स्कूल में अब भी छात्र संस्कृत सीख रहे हैं। फलाहारी बाबा का ये वही वेंकटेश दिव्य धाम मंदिर है अलवर का, जहां पर बाबा सुबह शाम पूजा अर्चना करते थे और यहीं पर वो रहते थे। अब बाबा नहीं है, अब यहां पर पुलिस का शिकंजा उन पर कस चुका है, लेकिन इस मंदिर की बात अगर की जाए तो अभी यहां पर इस धाम से जुड़ा हुआ जो संस्कृत विद्यालय है उसके बच्चे अभी यहां पर अपना पाठ कर रहे हैं, जो कि एक रोजाना शाम को होने वाली गतिविधि के तौर पर देखा जा सकता है। यहां जब बाबा थे तब भी यहां पर बच्चे शाम को आकर इसी तरीके से संस्कृत का पाठ करते थे। बाबा के जाने के बाद में यहाँ पर जो गतिविधि है वो एक तरीके से कम हुई है, लेकिन पूजा अर्चना का जो दौर है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। इन बच्चों को पढ़ाने वाले और लंबे समय से बाबा के साथ रहने वाले संस्कृत के शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं, बाबा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो आरोप लगा है, उसके बाद यहाँ मंदिर की जो गतिविधियां हैं, आश्रम की जो गतिविधियां हैं, वो उसी तरह से चल रही हैं? जी बिल्कुल उसी तरह चल रही है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। जैसे पूर्व में चल रहा था अभी भी ठीक है, उसी तरह चल रहा है। क्या लगता है आरोप जो लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पीड़िता ने अपने बयानों में FIR में जो आरोप लगाए बेहद गंभीर हैं? तो इसके बारे में तो जैसे हम कोई ना देखे हैं ना जाने हैं, लेकिन हमसे जैसे वर्ताव महाराज जी करते थे, उनके वर्ताव से हमें नहीं लगा कि ये महाराज जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो बहुत अच्छे हैं महाराज जी, जब भी मिले, जब भी उनसे वार्तालाप हुई तो बहुत शिक्षा की बात दी है बच्चों के बारे में, हमारे बारे में, और महाराज जी हमें ऐसे कभी भी नहीं लगे। क्यों आरोप लगाया गया कोई इतने गंभीर, क्या लगता है आपको? वैसे तो पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी आरोप हुआ है या जो 2-3 दिन से चल रहा है उसमें पूर्ण जानकारी नहीं है। फिर भी उनके जो नेचर है महाराज जी से, तो उनके नेचर के हिसाब से हमें ये विश्वास नहीं होता कि महाराज जी इस तरह होंगे। बाबा के कुछ शिष्यों को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बाबा को उन्होंने भगवान की तरह पूजा उसका असल रूप ये है। बाबा फलाहारी का बीमारी का बहाना अब खत्म हो चुका है और कानून के शिकंजे में वो अब छटपटा रहा है। ऐसे में आपके लिए भी एक सबक है कि बाबाओं के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करें और खुद की और अपने परिवार की रक्षा करें। अलवर से सुशांत पारिक और अश्विनी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसे दौर में जब देश में बाबाओं के काले कारनामे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं,
ये बेहद जरूरी हो गया है लोगों के लिए जो बाबाओं के प्रति अपनी अंधभक्ति रखते हैं, बाबाओं के प्रति अपना सब कुछ नतमस्तक कर देते हैं। ऐसे लोगों को ये चाहिए कि किसी भी बाबा को जब वो अपना सब कुछ समर्पित करें उससे पहले ये जरूर जानें कि बाबा कौन है, क्या है और इसका इतिहास क्या है, इस बाबा की क्षमता क्या है और अध्यात्म के मार्ग पर आपको कितना आगे लेकर जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह के बाबाओं का ये दौर जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये बेहद जरूरी है कि ऐसे बाबाओं को बेनकाब करने के साथ साथ आप भी जागरूक रहें। ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।